हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू दिस इज फ्राम चैप्टर ग्रेविटेशन सो इट सीज द वॉल्यूम ऑफ फाइव हंड्रेड ग्राम सील पैकेट इज थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन ग्राम सेंटीमीटर रेस टू पा माइनस थ्री वॉट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिसप्लेसड बाय दिस पैकेट तो सबसे पहले अगर आप देखो तो एक सील पैकेट की वॉल्यूम दिया हुआ है और मास दिया है तो सबसे पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं पैकेट का ताकि हमें ये पता चल सके कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा क्योंकि हमें सबसे पहले यही आंसर देना है सो डेंसिटी वी नो इज मास ओवर वॉल्यूम सो मास कितना आपके पास इट इज फाइव हंड्रेड एंड वॉल्यूम इज़ थ्री फिफ्टी जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया देन फाइव के टेबल से दोनों कैंसिल हो सकते हैं दिस विल बी टेन ओवर सेवन और टेन ओवर सेवन को डिवाइड करोगे तो वन पॉइंट फोर टू एट ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब आएगा और अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करो तो डेंसिटी ऑफ पैकेट इज़ मोर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या है सील पैकेट वो क्या करने वाला है यहाँ पे इट विल सिंक सिंक क्यों करेगा क्योंकि डेंसिटी उसकी ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है अब उन्होंने हमें बोला है कि हमें मास निकालना है वाटर का कि कितना डिस्प्लेस होगा जब आप इस पैकेट को उसमें डालोगे तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें यहाँ पे या मास की बात करें तो मास कैसे निकाला जाता है मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर सो इट इज मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ़ वाटर डिसप्लेसड इन टू डेंसिटी ऑफ वाटर अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिसप्लेस होगा दिस इज द डिस्प्लेस्ड वाटर नॉट वॉल्यूम ऑफ वाटर बट डिसस्ड वाटर तो थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब होगा राइट थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब क्यों होगा क्योंकि वो वॉल्यूम है उसकी सील्ड पैकेट की तो उतना ही पानी डिस्प्लेस भी होना चाहिए अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉन टू अस इट इज़ वन और थ्री फिफ्टी और थ्री फिफ्टी को वन से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आंसर क्या मिलेगा थ्री फिफ्टी ग्राम सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट मास मास इज़ वॉल्यूम इन टू डेंसिटी सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू